हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नितिका है और आज हम लोग बनाने वाले रिंग। रिंग बनाने के लिए हमें चाहिए चार्म, बीड, इलास्टिक थ्रेड, कटर। मैंने ऑलमोस्ट 3 इंच इलास्टिक थ्रेड लिया है। ये 3 इंच है, आप अपनी रिंग के साइज के अनुसार ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे चार्म। चार्म को इलास्टिक थ्रेड में डाल के हम इस तरह से बराबर कर लेंगे मोड़ के। अब इसमें डालेंगे हम बीड। बीड डालने के लिए मैं ले रही हूँ गियर वायर। गियर वायर को, क्योंकि बीड की साइज छोटी है तो मैं गियर वायर ले रही हूँ। गियर वायर को इस तरह थ्रेड में डाल के फिर हम बीड को डालेंगे। इस तरह से गियर वायर में बीड डाल के उसे थ्रेड में ये पास कर देंगे, कुछ इस तरह दिखेगा। और बीड डालने में हमें परेशानी होगी, इसलिए आप एक एंड में क्लिप लगा लें। तो मैंने बीड डाल लिया है, मैंने दोनों साइड 5-5 बीट डाली है। इस तरह से दोनों साइड 5-5 बीट डाल दी। अब हम इसे बांध लेंगे। मैं 3-4 नॉट लगा रही हूँ और आप एंड में फैब्रिक ग्लू भी लगा सकते हैं। तो बचे हुए थ्रेड को कटर से कट कर लेंगे और आप नॉट के पास फैब्रिक ग्लू भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा रिंग रेडी हो गया है। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ईजी, दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप बच्चों के लिए भी बना सकते हैं ऐसा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।